हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मैं हूं बच्चों प्रज्वल सिंह, और आज हम आपका देखेंगे केमिस्ट्री। और बच्चों आपका केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है बच्चों, और जिसमें हम क्या देखेंगे, क्रिस्टलों में दोष देखेंगे। क्या देखेंगे? क्रिस्टलों में दोष क्या होता है, और क्रिस्टलों का जो दोष होता है बच्चों कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम NCERT पढ़ रहे हैं उसमें जिस क्रिस्टल की बात की गई है वह आपकी आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक ठोस है। तो आपका जो दोष भी बात करेंगे बच्चों, वो आयनिक ठोस के दोष की बात करेंगे। तो हेडी बच्चों हम लगा लेते हैं आपका क्रिस्टलों में दोष। क्रिस्टलों में दोष, डिफेक्ट इन क्रिस्टल। तो सबसे पहले बच्चों क्रिस्टल होता क्या है? तो क्रिस्टल बच्चों जब अवयवी कण एक दूसरे से जुड़ करके त्रिविमीय जालक बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। और यदि बच्चों हम बात करें आपके आदर्श क्रिस्टल की, किसकी बच्चों? आदर्श क्रिस्टल की। तो जो आदर्श क्रिस्टल क्या है? वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं पर बने रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? बने रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। तो आदर्श क्रिस्टल क्या है बच्चों? वह क्रिस्टल क्या बच्चों? वह क्रिस्टल जिसमें वह क्रिस्टल जिनकी अवयवी कण बच्चों वह क्रिस्टल जिनके वह क्रिस्टल जिनके अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं पर बने रहते हैं उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहता है बच्चा? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। और बच्चों आदर्श क्रिस्टल केवल परम शून्य ताप पर ही संभव है। क्या बच्चों? आदर्श क्रिस्टल कब संभव है? केवल परम शून्य ताप पर ही संभव है, क्योंकि इस अवस्था में जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों क्या होती है? जीरो होती है। तो ये जानते रहिए बच्चों कि जो आप बात कर रहे हैं किसका? आदर्श क्रिस्टल। तो जो बच्चा जो आदर्श क्रिस्टल होता है वह परम शून्य ताप पर ही संभव है, परम शून्य ताप पर ही संभव है। क्यों? क्योंकि उस समय जो काइनेटिक एनर्जी होती है कितना था बच्चों? जीरो होती है। वो क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी? जीरो होती है। इतनी बातें समझ में आई बच्चों? आदर्श क्रिस्टल क्या है? वह क्रिस्टल जिसके अवयवी कण अपने स्थानों पर, अपने जालक बिंदुओं पर व्यवस्थित रहते हैं, बने रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। और आदर्श क्रिस्टल बच्चों कब संभव? परम शून्य ताप पर ही संभव है। और परम शून्य ताप पर बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह कितना होता है बच्चों? जीरो होती है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने उठता है कि आपका क्रिस्टलों में दोष क्या होता है, कि क्रिस्टलों में डिफेक्ट कब आएगा, दोष कब आएगा। जैसे बच्चों हम किसी क्रिस्टल को गर्म करेंगे, जब हम किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं या उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो जो क्रिस्टल होते हैं बच्चों, जो क्रिस्टल के अवयवी कण होते हैं अपने स्थानों से क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं। क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलों में दोष कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों क्रिस्टलों में दोष? अगर डिफिनेशन लिखिए, क्रिस्टलों में दोष। तो जो क्रिस्टलों में दोष क्या है? क्रिस्टलों में दोष क्या बच्चों? जब किसी
जब किसी क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, जब किसी क्रिस्टल को गर्म किया जाता है या क्या कर दिया जाता है बच्चों, गर्म किया जाता है या उसमें, या उसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, या उसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो क्रिस्टल के कुछ अवयवीकरण, तो क्रिस्टल के कुछ अवयवीकरण अपने अवयवीकरण अपने जालक बिंदु से, अपने जालक बिंदु से विचलित हो जाते हैं। क्या आते हैं बच्चों, विचलित हो जाते हैं। क्या जाते हैं बच्चों, विचलित हो जाते हैं, जिसे जिसे क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल में दोष, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे क्रिस्टल में दोष कहते हैं। तो बच्चों क्रिस्टल में दोष क्या है, जब किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं। अब गर्म करेंगे तो आपके जो अवयवीकरण हैं, जो जालक बिंदुओं पर अवयवीकरण मौजूद हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो कुछ जो आपके अवयवीकरण होंगे वो अपनी जगह से दूसरी जगह, या तो क्रिस्टल से बाहर, या तो क्रिस्टल के जब आपके अवयवीकरण के बीच में जो स्थान होता है उसमें चले जाए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चों, या तो क्रिस्टल से क्या चले जाए बच्चों, बाहर चले जाए, या तो कहाँ पर चले जाए, जो क्रिस्टल के अवयवीकरण होते हैं उनके बीच बच्चों जगह होती, या तो उसमें चले जाए। तो यह क्या होगा बच्चों, यह आपका उत्पन्न हो जाएगा दोष। अवयवीकरणों का विचलन हुआ तो क्या हुआ, उत्पन्न आपका दोष। अब दोष कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, आओ उसके विषय में हम जानें। जैसे बच्चों यहाँ पर हम आपका कोई क्रिस्टल बना रहे हैं, ये बच्चों ने क्या बनाया, आपका एक क्रिस्टल बनाया। ये बच्चों ने क्या बनाया, एक क्रिस्टल बनाया, और क्रिस्टल बनाने के बाद बच्चों ने क्या किया, क्रिस्टल को गर्म किया। क्रिस्टल को बच्चों ने क्या किया, गर्म किया, या बच्चों ने क्रिस्टल में क्या मिला दिया, अशुद्धि मिला दिया, अशुद्धि। क्रिस्टल को बच्चों हम गर्म करें या क्या मिला, अशुद्धि। तो आपके जो ये क्रिस्टल है बच्चों, ये आप उन क्रिस्टलों का क्या है, अवयवी स्थान है, जालक बिंदु है, जहां पर आपके क्या मौजूद है बच्चों, कण मौजूद है। ये क्या मौजूद है बच्चे, आपके कण मौजूद है। अब इस क्रिस्टल को हम गर्म करें तो या तो अशुद्धि मिलाए, तो यदि हम गर्म करें तो हो सकता है आपके ये अवयवीकरण, ये अवयवीकरण इनके बीच में जो ये जगह दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर चले आए, कहाँ पर चले जाए, यहाँ पर चले आए, और हो सकता है ये अवयवीकरण क्रिस्टल से कहाँ चले जाए बच्चों, बाहर चले जाए, कहाँ चले जाए, क्रिस्टल से बाहर, क्या चले जाए बच्चों, क्रिस्टल से, ये अवयवीकरण क्रिस्टल से बाहर चले जाए,
या तो बच्चों क्या जाए, कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या बच्चों कहते हैं हम, अंतराकाश। अंतराकाश। तो क्रिस्टल के बच्चों अवयवीकरण कहाँ चले जाए, क्रिस्टल से बाहर चले जाएं या तो क्रिस्टल के अंतराकाश में प्रवेश कर जाएं। तो दो पॉसिबिलिटीज है बच्चों, हम दोनों आपको दिखा देते हैं। ये रहा बच्चों, तो बच्चों जब इस को हमने गर्म किया तो हम क्या देख रहे हैं, सपोज करते हैं आपका जो अवयवीकरण था वो कहाँ पे चला है, अंतराकाश में चलाया। तो ये बच्चों तो आपके अवयवीकरण हैं और ये अवयवीकरण बच्चों कहाँ पे चला है, अंतराकाश में चलाया। तो ये एक बच्चों क्या हो गया, दोष हो गया। और एक बात हम यहाँ पर मानते हैं, दूसरी कंडीशन बच्चों ये क्रिस्टल से बाहर चला जा रहा है तो ये भी बच्चों तो दोष है, ये अवयवीकरण क्रिस्टल से कहाँ चला गया, बाहर चला गया। और जब ये क्रिस्टल से बाहर चला गया, ये अवयवीकरण कहाँ चला गया, क्रिस्टल से बाहर। और बच्चों जब ये क्रिस्टल से बाहर चला गया तो ये भी क्या हो गया, क्रिस्टल में दोष हो गया। अच्छा ये बताइए बच्चों, एक बात यहाँ पर आप गौर से देखिए कि जो ये क्रिस्टल में दोष है बच्चों, जो आप डिफेक्ट देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, बिंदु के आकार का है कि नहीं। हाँ बिंदु के आकार का है, यह दोष बिंदु के आकार का होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बिंदु दोष भी कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, क्रिस्टलों में दोष क्रिस्टलों में दोष बिंदु के आकार के होते हैं, बिंदु के आकार के होते हैं, बिंदु के आकार के होते हैं, इसलिए इसे बिंदु दोष भी कहते हैं। इसलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं आपका, बिंदु दोष भी कहते हैं। अब बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके विषय में हम जानें, क्रिस्टलों में दोष के प्रकार क्या बच्चों, क्रिस्टलों में दोष के प्रकार। अब क्रिस्टलों में बच्चों जो दोष होता है वह बच्चों आपका तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्टाइकियोमेट्री दोष। क्या होता है बच्चों, स्टाइकियोमेट्री दोष। और दूसरा बच्चों क्या होता है आपका, स्टाइकियोमेट्री दोष। और दूसरा होता है बच्चों नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। क्या होता है बच्चों, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। और जो बच्चों लास्ट थर्ड होता है वह होता है क्या बच्चों, अशुद्धि दोष। क्या होता है आपका, अशुद्धि दोष। तो क्रिस्टल में दोष बच्चों तीन प्रकार के यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से आप पढ़ेंगे, थ्री टाइप्स। तो कौन कौन है बच्चों, पहला आप बताइए स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, तीसरा अशुद्धि दोष। तो बच्चों आपका जो स्टाइकियोमेट्री दोष होता है इसे हम कहते हैं रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति दोष। और बच्चों नॉन स्टाइकियोमेट्री को क्या कहते हैं, अरस
समीकरण मिति दोष, क्या बच्चों? अरस समीकरण मिति दोष। अब बच्चों रस समीकरण मिति दोष का क्या मतलब है? देखिए बच्चों, अगर कोई भी हम बात कर रहे हैं आयनिक क्रिस्टल के, सबसे पहले आपको दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि हम बात किसका करें, आयनिक क्रिस्टल के। अब जो आयनिक क्रिस्टल होगा उसमें धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे। क्या होंगे बच्चों? धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे। अगर बच्चों धनायन और ऋणायन का जो अनुपात हो, धनायन और ऋणायन का जो क्या हो अनुपात हो, वह क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रस समीकरण मिति दोष कहेंगे। और यही अनुपात क्या होगा बच्चों, अगर असमान हो जाए, अस्थिर हो जाए, धनायन का अनुपात कुछ और, ऋणायन का अनुपात कुछ और, मतलब धनायन की संख्या कुछ और, ऋणायन की संख्या कुछ और, तो इसको हम क्या कहेंगे? अरस समीकरण मिति दोष कहेंगे। और थर्ड बच्चों क्या है आपकी? अशुद्धि दोष। अगर हमने क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिला दी तो कोई यदि दोष उत्पन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आपका अशुद्धि दोष कहेंगे। तो बच्चों आइए हम जानते हैं रस समीकरण मिति दोष बच्चों क्या होता है। तो रस समीकरण मिति दोष क्या था बच्चों? वह दोष जिसमें धनायन किसके बच्चों? क्रिस्टल के धनायन। वह दोष जिसमें क्रिस्टल के धनायन व ऋणायन, वह दोष जिसमें क्रिस्टल के धनायन व ऋणायन का अनुपात स्थिर हो, अनुपात क्या हो जाए? स्थिर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रस समीकरण विधि दोष कहते हैं। और अरस क्या बच्चों? वह दोष जिसमें, वह दोष जिसमें क्रिस्टल के धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन का अनुपात अस्थिर हो, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। और अशुद्धि दोष क्या बच्चों? वह दोष जो, वह दोष जो क्रिस्टल में अशुद्धि के कारण आती है, अशुद्धि के कारण आती है, उसे अशुद्धि दोष, उसे क्या था बच्चों? अशुद्धि दोष कहते हैं। तो बच्चों हमने तीनों दोष को आपको कंबाइन कर दिया है बाई पाई चार्ट। तो यहां पर देखिए जो स्टाइकियोमेट्री रस समीकरण, तो वह दोष जिसमें क्रिस्टल ले उपस्थित धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या रहे बच्चों? स्थिर रहे, समान रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रस समीकरण मिति दोष कहेंगे। और जो बच्चों रस समीकरण मिति दोष होता है उसमें क्रिस्टल का घनत्व, उसमें क्रिस्टल का घनत्व में क्या आती है बच्चों? कमी आती है। क्या आती है बच्चों? कमी आती है। अब बच्चों अब कमी कब आएगी और कमी कब नहीं आएगी, दोनों कंडीशंस यहां पर देखेंगे बच्चों, लेकिन जब इसके हम डीप में जाएंगे हेडिंग के तो बताएंगे उस चीज को, क्योंकि कमी भी आएगी और नहीं भी आएगी, उसमें को दो टाइप्स है, उसे हम देखेंगे, उसको आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आपका स्टाइकियोमेट्री रस समीकरण दोष भी दो प्रकार के बच्चों, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक क्या होता है बच्चों? शॉटकी दोष। क्या होता है बच्चों? शॉटकी दोष। और एक दोष बच्चों क्या होता है आपका? फ्रैंकल दोष। क्या होता है एक अच्छा आपका?
फ्रैंकल। फ्रैंकल तो दो दोस्त बच्चों आप पाएंगे, एक बच्चों आप साटकी पाएंगे और एक क्या पाएंगे, फ्रैंकल। अब लिख कर रख लीजिए बच्चों, अगले बार भी हम बताए थे फ्रैंकल साटकी आएगा और इस बार ही बच्चों कह रहे हैं कि फ्रैंकल साटकी से कोई ना कोई आपको चाहे क्वेश्चन घुमाकर थोड़ा दे दे या तो बच्चों फ्रैंकल साटकी में डिफरेंस पूछ ले, ये हेडिंग पूरे आपके कह लीजिए क्रिस्टलों में दोस्त, पूरे की क्रिस्टल में सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों कि साटकी दोस्त और फ्रैंकल दोस्त आपका क्या होता है। अगर बच्चों आई होप बच्चों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को बच्चों आप लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।